एट दिस पॉइंट मैं चाहता हूँ कि दुनिया खत्म हो जाए, सब मर जाए, मतलब दुनिया खत्म हो जाए। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, वीडियो के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये हो जाए। क्योंकि जिस वीडियो के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ या फिर जिन वीडियोस के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर ये असली है तो आई थिंक इंसानियत तो खत्म हो चुकी है, एंड इट्स बेटर कि दुनिया खत्म ही हो जाए। अराउंड 2015 एक स्नफ मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्नफ R73। स्नफ मूवी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बेसिकली एक ऐसी मूवी जिसके अंदर मरे हुए लोगों के साथ सेक्सुअल इनकाउंटर्स में पार्ट लेना, उनको शूट करना, उन मूवीज को स्नफ मूवी कहते हैं। 2015 में आई थी स्नफ R73, लेकिन उससे थोड़ा ही टाइम पहले एक मूवी आई थी जो बहुत पॉपुलर थी जिसका नाम था MD Pope। आई थिंक मैंने पहले किसी वीडियो में MD Pope को मेंशन करा हुआ है, बट MD Pope आई थिंक सबसे ज्यादा नोन स्नफ मूवी है इंटरनेट पे, जो डार्क वेब पे बनाई गई थी बेसिकली। जब स्नफ R73 ये वीडियो आई थी, ये मूवी बाहर आई थी, तो उसके अंदर 80% मूवी वॉज MD Pope ओनली। जो पहले एक स्नफ मूवी बन चुकी थी उसी को उठा के इस नई वाली स्नफ मूवी में डाला गया था। स्नफ R73 के अंदर 80% MD Pope थी, लेकिन जो बचा हुआ 20% था वो नया था। जो भी क्रिएटर था स्नफ R73 का, उसने अपनी खुद की क्लिप शूट करी थी और उनको अपना वर्जन बोलते हुए उसने रिलीज कर दी थी डार्क वेब। अब तुम ये सोच रहे होगे कि यार ये मूवीज देखता कौन है, एंड शॉकिंग बात यह है कि इन मूवीज की डिमांड है। लोगों को प्लेजर फील होता है ऐसी मूवीज देखने में जहाँ पे मरे हुए लोगों के साथ और छोटे बच्चों के साथ अब्यूज करा जाता, लाइक यू गेट इट। मैं ओपनली नहीं बोल सकता वरना मेरे को यूट्यूब पे स्ट्राइक पड़ जाएगा, बट यू गेट माय पॉइंट। ऐसी जो मूवीज हैं इनकी डिमांड है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी मूवीज देखते हैं, जो ऐसी मूवीज को खरीदते भी हैं डीप डार्क वेब पे। और मैं तुम्हें नंबर्स बताऊंगा अगर कि मतलब कितने लोग एवरेज पे डेली इन मूवीज को सर्च करते हैं, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। MD Pope जब मूवी बनी थी, इट वॉज अ मिक्सटेप। मिक्सटेप का मतलब होता है कि बहुत सारी वीडियोज का कलेक्शन, एक तरीके से बहुत सारी स्नफ वीडियोज का कलेक्शन एक साथ लगा के एक मूवी रिलीज करी गई थी MD Pope। MD Pope का फुल फॉर्म है मोस्ट डिस्टर्ब्ड पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ, तो तुम सोच ही सकते हो कि उस वीडियो में क्या होगा। एंड MD Pope इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि उसका खुद का एक IMDb पेज था बहुत टाइम पहले। IMDb पेज जिसपे सारी मूवीज के रिव्यूज और रेटिंग्स रहती है, जो हमारी मेन स्ट्रीम मूवीज होती है, जो हम हॉल्स में देखते हैं, जो हम OTT पे देखते हैं, उन सारी मूवीज का रिव्यू रहता है IMDb पे। और IMDb पे MD Pope का भी एक रिव्यू और रेटिंग थी। आई नो इट्स अनबिलीवेबल कि एक स्नफ मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर थी। और सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट MD Pope का ये था कि MD Pope की उस रेटिंग में, जहाँ पे IMDb के पेज पे लिखा होता है कि इस मूवी में ये एक्टर्स हैं और इन्होंने प्रोड्यूस करी है, वो उस लिस्ट में एक नाम था जो था लूका मैग्नाडा। तुमने अगर नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं देखी है डोंट फक विद कैट्स, तो तुम्हें देखनी चाहिए, बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन वो सीरीज देख के तुम्हें समझ आएगा कि लूका मैग्नाडा कौन था। लूका मैग्नाडा वॉज द क्रिएटर ऑफ द वीडियो जिसका टाइटल था 1 Lunatic and 1 Ice Pick। वो भी एक स्नफ वीडियो ही थी जिसके अंदर एक विक्टिम को आइस पिक होती है जिससे बर्फ तोड़ते हैं, उससे मारा जाता है अनटिल द पर्सन डाइज। उस विक्टिम के मरने के बाद भी दैट कंटिन्यूज और इसकी पूरी वीडियो है। MD Pope के IMDb पेज पे लिखा हुआ था कि लूका मैग्नाडा इज एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ MD Pope। लेकिन कमाल की बात ये थी कि 2015 के आसपास MD Pope बाहर आई थी, पहले डार्क वेब पे और फिर वो सरफेस वेब पे भी आ गई थी। लेकिन लूका मैग्नाडा गॉट अरेस्टेड इन 2012, तो ये तो कैसे पॉसिबल है। तो इस चीज के बाद एक
क्वेश्चन उठने लग गया कि एमडी पोप बनाया किसने, और एक बहुत बड़ा रूमर बाहर आया था, और वो फैक्ट भी हो सकता है कि एमडी पोप का खाली एक क्रिएटर नहीं, एमडी पोप के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने वो सारी वीडियोस खुद बनाई है और कंपाइल करके बेचने की कोशिश करी है डीप डार्क वेब पे। एक पूरी कम्युनिटी ने बैठ के साथ में एमडी पोप बनाई थी एक स्नफ मूवी, और वो उन्होंने क्यों करा था, क्योंकि वो इस मूवी को सेल कर रहे थे ऑनलाइन डीप डार्क वेब पे। पहले ये माना जाता था कि एमडी पोप इज द वर्स्ट स्नफ मूवी ऑन द इंटरनेट, लेकिन उसके बाद रिवील हुआ कि जो सबसे डार्क स्नफ मूवी है जो डीप डार्क वेब से आई है उसका नाम है डेजीज डिस्ट्रक्शन। डेजीज डिस्ट्रक्शन ये जो मूवी थी, ये जो वीडियो थी, ये बनाई थी पीटर स्कली ने। इस नाम को याद रखना, पीटर स्कली। पीटर स्कली वॉज अ, और उसने ये वीडियो इसलिए बनाई थी जिससे वो इसको बेच सके इंटरनेट पे डीप डार्क वेब, और वो इसका प्राइस कुछ $1,000 से $10,000 तक रखता था। $10,000 लगभग 8-8.5 लाख रुपए उसको एक वीडियो से मिल रहे थे, तो ऑफ कोर्स उससे बनानी थी क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी वीडियोस बना ही रहा था, तो उसको समझ भी आ गया था कि इन वीडियोस की डिमांड है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं डीप डार्क वेब पे जिनको ये वीडियोस चाहिए, जिनको प्लेजर मिलता है ऐसी वीडियोस को देखने में, वो उसको $10,000 तक दे देते थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि वॉचिंग दिस वीडियो डेजीज डिस्ट्रक्शन इज इलीगल। अगर कोई भी कमेंट्स में आके ये लिख रहा है कि उसके पास इस वीडियो का लिंक है या कोई भी वीडियोस का लिंक है, कुछ भी कोई भी आके कमेंट में कह रहा है, तो पहली बात वो झूठ कह रहा है, दूसरी चीज अगर तुम पकड़े गए इन वीडियोस के साथ तो तुम्हारे साथ जो एक्शन होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो ये क्यूरियोसिटी की बात नहीं है, स्टे अवे। इन टॉपिक्स के बारे में जानना तुम यूट्यूब के थ्रू देख सकते हो, तुम बाकी चीजों के थ्रू जान सकते हो, लेकिन डोंट गो टू सर्च फॉर दीज वीडियोस, ये खुद ढूंढने मत निकलना बिकॉज इट्स इलीगल। मैं इस चैनल के थ्रू मैं इन वीडियोस को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल भी तुम्हें बोल नहीं रहा हूँ कि तुम जाके खुद ढूंढो इन वीडियोस को, स्टे सेफ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है इनको ढूंढने की, कोई जरूरत नहीं है जाके इन वीडियोस को ढूंढने की, देखने की, ठीक है? बिकॉज अगर तुम जा रहे हो यूर अ सिक फक, तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, यू नीड हेल्प। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब सवाल आता है कि डेजीज डिस्ट्रक्शन में क्या था। एक 18 महीने की लड़की जिसका नाम डेजी था वॉज सेक्शुअली अब्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ टू फीमेल कंपेनियंस, एंड इट वॉज फिल्म्ड बाय पीटर स्कली, जो मैंने अभी बोला था ना, नाम याद रख, उसी ने ये वीडियो बनाई थी और खुद शूट करी थी। तुम्हें पता है उस वीडियो की स्टार्टिंग में क्या स्टेटमेंट्स थे? मैं बताता हूँ। Come see a child's mental ruin, her innocence lost. Used as a tool, she'll learn how to please her mistress. Her body will be ravaged, her dignity stolen. डेजीज डिस्ट्रक्शन को बेचा गया था डार्क वेब पे फॉर $10,000, और इसको अलग अलग पीडोफाइल सर्कल्स में सर्कुलेट कर दिया गया था, और इस वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड भी थी। ये जो क्राइम है, ये जो वीडियोस है, इनको एक जॉनरा में डाला जाता है, एक टाइप में डाला जाता है जिसको कहते हैं हर्ट कोर। स्टार्टिंग में जिस हम वीडियो की बात कर रहे थे स्नफ R73, आगे जाके थोड़े टाइम बाद ये डिबंक हो गया था कि ऐसी कोई वीडियो एग्जिस्ट नहीं करती इंटरनेट, स्नफ R73 जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। उस थ्योरी को डिबंक कर दिया गया था, इसको मिथ बोल दिया गया था कि एक रूमर है कि लोग ऐसी सोचते हैं इसके बारे में, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, जो यूजली हर उस डार्क वेब वीडियो या मीडिया के साथ होता है जो सरफेस वेब पे आ जाती है। आगे जाके पता चल गया था कि स्नफ R73 जैसा कुछ भी नहीं है, लोग कह रहे थे कि स्नफ R73 इज डार्कर एंड मोर डिस्टर्बिंग देन एमडी पोप एंड डेजीज डिस्ट्रक्शन, लेकिन ऐसी कोई वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब पता चल गया था कि स्नफ R73 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये इस स्टोरी का एंड नहीं है, क्योंकि इसके थोड़े टाइम बाद ही रिवील हुआ कि इन सारी वीडियोस से ज्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो रिलीज हुई जिसका नाम था क्या ये भी एक मिक्स टेप थी? हाँ। क्या इसमें डेजीज डिस्ट्रक्शन की क्लिप्स थी? नहीं। ये जो वीडियो थी ये डिस्टर्बिंग क्यों थी? ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि इसके अंदर जिन बच्चों के साथ जो कुछ भी करा गया था, जो भी अब्यूज था, वो बच्चे वॉर एरियाज से आए हुए थे,
वॉर एरियाज में जो भी बच्चे होते हैं जो फिजिकली और मेंटली ट्रॉमा में होते हैं, उन बच्चों को यूज करा गया था। 2001 से 2021 तक जितने भी वॉर एरियाज थे जहां पे वॉर चल रही थी, जहां पे बच्चों पे असर पड़ रहा था, जो मेंटली और फिजिकली ट्रॉमा में थे, उन बच्चों को यूज करा गया था फॉर द वीडियो। एंड जो वीडियो थी, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने एमडी पोप और डेजीज डिस्ट्रक्शन देखी एंड वो उससे बोर हो गए थे। दे वांटेड समथिंग न्यू। ऐसी वीडियोस और ऐसी मिक्सटेप बहुत ज्यादा कॉमन है डीप डार्क वेब पे, बहुत ज्यादा कॉमन है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि इन वीडियोस की डिमांड कितनी है, कितने बड़े बड़े पीडो सर्कल्स हैं इंटरनेट पे, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। मुझे आज तक इतना अनकंफर्टेबल कभी नहीं लगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने इस चैनल पे इतनी वीडियोस बनाई है बट इतना अनकंफर्टेबल मैं आज तक किसी टॉपिक को रिसर्च करते टाइम नहीं हुआ। तुम्हें पता है ये सारी स्नफ मूवीज बनने का ट्रेंड बहुत पहले से, और ये ट्रेंड शुरू हुआ था एक वीडियो की वजह से जो बहुत टाइम पहले आई थी, जिसका नाम है सबसे फक्ड अप बात यह है कि जो सबसे पहली स्नफ मूवी बनाई गई थी इंटरनेट के लिए, इट वॉज नॉट फॉर द डीप डार्क वेब, इट वॉज फॉर द सर्फेस वेब। एम्बर अलर्ट बनाई गई थी नॉर्मल लोगों के लिए जो सर्फेस वेब पे, क्योंकि इस वीडियो की डिमांड थी पीडो सर्कल्स में और सेडिस्ट लोगों के अंदर, मतलब इन वीडियोस की डिमांड रही है और बहुत पहले से रही है, और इन सारी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए लोग भी बहुत पहले से रहे। एम्बर अलर्ट जो वीडियो है इट इज अबाउट 1 hour 30 minutes लॉन्ग, और जो डेजीज डिस्ट्रक्शन वीडियो है इट इज अबाउट 10 minutes 50 seconds। टाइम के साथ साथ स्नफ मूवीज जो है वो छोटी होती चली गई है और साथ ही साथ और ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग होती गई है। हमने देखा है कि हम जो सर्फेस यूजर्स हैं, हमारा टेंशन स्पैन कितना जल्दी कम होता जा रहा है। पहले हम सारे लंबी लंबी वीडियोस देखते थे, लेकिन अब हम रील्स और शॉर्ट्स पे ही एंटरटेन होके खुश हो जाते हैं, हमारा टेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया। लेकिन ये खाली हम नॉर्मल लोगों के साथ नहीं है, जो सिक माइंडेड हैं और जिनका दिमाग लाइक लिटरली खराब है, जिनका दिमाग नॉर्मल वे में नहीं चलता, जो ऐसी सैडिस्टिक चीजें देखते हैं, जो ऐसी डिस्टर्बिंग चीजें देखते हैं, उनका भी अटेंशन स्पैन छोटा होता चला गया है विद टाइम। अब आ जाती है मेन बात कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। इन मिक्सटेप्स और इन स्नफ मूवीज, इन वीडियोस के जो क्रिएटर्स हैं, उनके बीच में कंपटीशन चलता है। जो एमडी पोप का क्रिएटर है, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर स्नफ R73 रियल भी है, तो जो उसका क्रिएटर, इन सबके बीच में कॉम्पिटिशन है कि कौन कितनी ज्यादा डार्कर और डिस्टर्बिंग वीडियो बना सकता है। क्योंकि इसी चैलेंज से जो सारे सिक माइंडेड लोग हैं उन सबकी डिमांड्स पूरी होती है to see more disturbing shit, क्योंकि उन लोगों को ये disturbing shit देखने से pleasure मिलता है, वो खुश होते हैं, उनको वो aroused feel करते हैं, उनको satisfaction feel होता है। इतने sick minded लोग हैं, तो इसलिए इन सारी snuff movies के creators के बीच में एक competition चलता रहता है, and ऐसी नई नई videos और mixtapes release होती रहती है deep dark web पे, and they are for sale। और इनमें से काफी सारी, ऑलमोस्ट सारी वीडियोस कहीं ना कहीं सरफेस वेब पे लीक हो जाती है। तुम्हें पता है डार्क वेब पे देयर वाज दिस वन साइट जिसपे सिर्फ हर्ट कोर वीडियोस डाली जाती थी, उस पे एवरेज पे डेली कम से कम 5 lakh लोग आते थे डेली। तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि 5 lakh लोग सीधा डार्क वेब चलाते थे और उसके अंदर जाके ऐसी वेबसाइट्स को सर्च करते थे डेली, तो तुम समझ सकते हो कि इन वीडियोस की कितनी ज्यादा डिमांड है और कितने सारे लोग सिक माइंडेड हैं। इट्स वेरी पॉसिबल तुम्हारे जान पहचान में कोई ये वीडियोस देखता हो और तुम्हें पता भी ना हो। इस वीडियो को बनाने का एक ही पॉइंट है कि इफ यू एवर गेट अ लिंक फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रॉम समवन, फ्रॉम एन अननोन पर्सन, और उस लिंक के अंदर कहीं ना कहीं स्नफ या फिर R73 या फिर डेजीज डिस्ट्रक्शन या फिर एमडी पोप या फिर वन लूनेटिक वन आइस पिक ऐसा कुछ है, अगर तुम उस लिंक में देख पा रहे हो, डोंट ओपन दैट लिंक, डू नॉट, गलती से भी नहीं, ये चीज ध्यान में रखना। क्योंकि अगर तुम पकड़े गए इन वीडियोस को देखते हुए या फिर सेव करते हुए या फिर इन लिंक्स को ओपन करते हुए, तो तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा, तो इन चीजों का ध्यान रखना। और मैं एक चीज प्रॉमिस करता हूं तुम्हें कि अगर तुम ये वीडियोस कहीं से देख भी लेते हो, मैंने नहीं देखी है ना ही मेरे को देखनी है, लेकिन कहीं ना कहीं से गलती से तुम इन वीडियोस को देख लेते हो, तो 100% तुम कम से कम 3-4 दिन खाना नहीं खा पाओगे, तुम सेम इंसान नहीं रहोगे ये वीडियोस को देखने के बाद। तो सेफ रहो और इस चीज का ध्यान रखो कि कोई भी सिक माइंडेड इंसान तुम्हें कोई भी लिंक भेज सकता, सो जस्ट मेक श्योर कि एक बार तुम उस लिंक को पढ़ लो एटलीस्ट, और अगर तुम्हें ऐसा इंसान कोई ऐसी वीडियो भेजता है, जाके पुलिस में कंप्लेन कर दो।